वेलकम टू इलैक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। साढ़े आज दी वीडियो दा जिहड़ा टॉपिक है सैल और बैटरी दे जिहड़े MCQ ने उस दे बारे इस वीडियो दे विच जाणांगे। तो नाल ही असीं जाणदे हां कि कैमिकल एनर्जी किसनूं कहिंदे आ, कि जदों किसी इलैक्ट्रोलाइट विचों करंट गुजारिया जांदा तां उस दे विच जिहड़ा कैमिकल रिएक्शन हुंदा और वह अपने हिस्सों दे विच जिहड़ा टुट जांदा तो इस प्रोसैस में यह जिहड़ा प्रभाव है इसे नूं असी जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी का कैमिकल इफेक्ट कह दिंदे आ, रसायनिक प्रभाव कह दिंदे आ, जिस दी मदद दे नाल असी सैल बैटरी इलैक्ट्रोप्लेटिंग या मैटल नूं प्यूरीफाई शुद्ध करन दे लई वरतों विच लियांदे हैगे आ। तो अज दी वीडियो दे विच असी जाणांगे सैल और बैटरी दे बारे जिहड़े MCQ ने पार्ट 1 दे विच जिहड़े बेसिक हैगे आ उस दे बारे जाणदे हैगे आ। सो अज दी वीडियो दा पहला क्वेश्चन हैगा प्राइमरी सैल किसनों कहिंदे हन। प्राइमरी सैल किसनों कहिंदे आ, ए ऑप्शन है जिस सैल नूं बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सके, बी ऑप्शन है जिस सैल नूं बार बार चार्ज डिस्चार्ज ना किया जा सके, सी हैगा उपरोक्त दोनों और डी हैगा उपरोक्त विच्चों कोई नहीं। तो प्राइमरी सैल जिहड़े तुहानूं दिखा देवां कि प्राइमरी सैल की कैटेगरी इस तरह के सैल आ जाते हैं जिन्हों असी ड्राई सैल के नाँ पर भी जानते हैं। ये साइज दे विच ए डबल ए और ट्रिपल ए दे विच आते हैं। तो ये जिहड़े ड्राई सैल हैगे आ ये प्राइमरी सैल की कैटेगरी विच ने और जिन्हों असी एक बार यूज़ करन तो बाद चों दोबारा वरतों विच नहीं लिया सकते, दोबारा तो चार्ज नहीं होंगे। इन्हों का जिहड़ा मटीरियल है एक्टिव मटीरियल है वो दोबारा तो काम विच नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर हैगा जिस सैल नूं बार बार चार्ज डिस्चार्ज ना किया जा सके उसनों प्राइमरी सैल कहिंदे हन। तो इसका आंसर बी सही है। तो सैकंड क्वेश्चन हैगा ड्राई सैल की वोल्टेज कितनी होंदी है। जिवें उपर दस्या सी कि जिहड़े प्राइमरी सैल की कैटेगरी ड्राई सैल आ जाते हैं तो इसकी वोल्टेज कितनी होंदी है। ऑप्शन हैगियां ने 2 वोल्ट, बी 2.2 वोल्ट, सी हैगा 3 वोल्ट और डी हैगा 1.5 वोल्ट। तो ड्राई सैल जिहड़े असी आम वरतदे हैगे आ जिस तरह गीजर दे विच, टॉर्च दे विच जा रिमोट और जिहड़े वाल क्लॉक दे अंदर, तो साइज़ इन्हां दे अलग अलग ने, साइज़ अलग अलग है इन्हां दे विच। जिस तरह टेक्निकल जिहड़े इन्हां दे नाम हैगे आ वो ट्रिपल ए डबल ए और सिंगल ए, यानी कि सिंगल ए डबल ए और ट्रिपल ए दे नाँ ते इह असी मंगदे आ। ते इन्हां दे विच जिहड़ी करंट कपैसिटी वध हैगी आ जिवें साइज के हिसाब नाल वधदी जांदी है, लेकिन वोल्टेज सारयां दी सेम हैगी आ 1.5 वोल्ट आ जाती है। 1.5 वोल्ट है जितने इत्थे लिखा है 1.5 वोल्ट सारयां दे उपर। इहदे उपर थोड़ा ज़्यादा बरीक अक्खर ने, सारयां दी वोल्टेज 1.5 वोल्ट आ जाती है। तो इस दे विच असी जिहड़ी ऑप्शन हैगी है डी हैगी है ड्राई सैल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट होंदी है। तीसरा क्वेश्चन हैगा सेकेंडरी सैल किसनों कहिंदे हन। ऑप्शन ए हैगी आ जिस सैल नूं बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सके, बी ऑप्शन जिस सैल नूं बार बार चार्ज और डिस्चार्ज ना किया जा सके, सी उपरोक्त दोनों और डी हैगा उपरोक्त विच्चों कोई नहीं। तो जिहड़े सेकेंडरी सैल हुंदे आ उस कैटागरी के जिहड़े सैल ने इन्हां नूं असी बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करते हैगे आ। जिवें फॉर एग्जाम्पल लैड एसिड बैटरी है जिहड़ी ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर दे विच असी वरतदे आं, गड्डियां दे विच वरतदे आं जां इनवर्टर दे विच यूज़ करते हैं। इस तरह की जिहड़ी बैटरी है ये लैड एसिड बैटरी की कैटागरी दे विच है और इसनों असी चार्ज और डिस्चार्ज बार बार कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सैल जिस सैल नूं असी बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सके उसनों सेकेंडरी सैल कहने। तो इसकी ऑप्शन ए सही है तीसरे की। चौथा क्वेश्चन लैड एसिड बैटरी जिहड़ी कि एक सेकेंडरी सैल की कैटेगरी हैगी आ दे एक सैल की वोल्टेज कितनी होंदी है। लैड एसिड बैटरी उस दे एक सैल की वोल्टेज पूछी गई है। तो ऑप्शन ने 12 वोल्ट, बी हैगा 2.1 वोल्ट, सी हैगा 6 वोल्ट और डी हैगा 3.1 वोल्ट। तो जिहड़ियां लैड एसिड बैटरी आ इस दे एक सैल की वोल्टेज विदाउट लोड बिना लोड तो 2.1 होंदी है और लोड के उपर 2 वोल्टेज रह जाती है। जिवें कि इस बैटरी के विच
इत्थे तुहानू लाइनिंग नज़र आ रही होनियाँ, ये एक सैल है, ये दूसरा सैल, तीसरा, चौथा, पंजवां और छे, छे सैल ने इस बैटरी के अंदर, छिया नू सीरीज़ दे विच जोड़िया गया। तो छे सैल नू जदों सीरीज़ दे विच जोड़ते हैं तो वोल्टेज प्लस हो जाती है, तो 12 वोल्ट की टोटल बैटरी है, 12 वोल्ट की टोटल बैटरी है। तो एक सैल की जिहड़ी वोल्टेज है वह 2.1 हैगी है बिना लोड तो, तो लोड पाउण ते 2 वोल्ट रह जाती है। तो इन्हां दे विच ऑप्शन जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने 2 दे नज़दीक 2.1 वोल्ट है, तो इसका आंसर बी सही है चौथे का। लैड एसिड बैटरी के बारे 5वां क्वेश्चन है, लैड एसिड बैटरी विच केड़ा इलैक्ट्रोलाइट यानी कि तेजाब केड़ा वरत्या जाता है। ऑप्शन ए हैगी है सिल्वर नाइट्रेट, बी हैगी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी हैगी है पोटाशियम हाइड्रोआक्साइड और डी हैगी है उपरोक्त सारी। तो जिवें ना तो पता चलता है जिहड़ी लैड एसिड बैटरी हैगी है उस दे विच जिहड़ा एसिड यूज़ किया जाता इलैक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता वह सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है। ए बी ऑप्शन सही है, इस दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वरत्या जाता। 6वां क्वेश्चन है, सैलां तो ज़्यादा वोल्टेज लैन लई सैलां नूं किस तरह जोड़ोंगे, यानी कि जिवें असीं पहला देखिया सी प्राइमरी सैल की जिहड़ी वोल्टेज है ड्राई सैल की वह 1.5 वोल्ट है और जिहड़ा सेकेंडरी हैगी है उहदी 2.1 वोल्ट है। तो अगर सानू जे ज़्यादा लोड होवे चाहे वह प्राइमरी सैल ने चाहे वह सेकेंडरी सैल ने ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत होवे तो उस दे असीं सैल दे कनैक्शन किस तरह करांगे। ए ऑप्शन है पैरलल विच, बी हैगा सीरीज़ विच, सी हैगा सीरीज़ और पैरलल यानी कि दोनों का कंबीनेशन और डी हैगा उपरोक्त सारे। तो जदों असीं सैल तो ज़्यादा वोल्टेज लैनी हुंदी है तो उस समय असीं कनैक्शन किवें करने हैं, तो एक जिहड़ा साइन हैगा सैल का वो ए वाला साइन है, बड़ी लाइन जिहड़ी साइड है पॉजिटिव और छोटे वाली नैगेटिव। जदों असीं इस नूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे सैल नूं, नंबर ऑफ सैल नूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे तो यह जिहड़ी वोल्टेज है वह प्लस हुंदी जाएगी, वह प्लस हुंदी जाएगी। इस दे विच एक सैल हो गया, यह दूसरा, तीसरा और यह चौथा सैल कनैक्ट हो गया। जिहड़ी वड्डी लाइन है पॉजिटिव नूं रीप्रजेंट करती है और छोटे वाली नैगेटिव नूं, तो इत्थे साडे कोल प्लस और माइनस मिल गया। जे असी इस दे बारे ड्राई सैल की गल करिए 1.5 वोल्ट, सैकेंड की 1.5 वोल्ट, थर्ड की फिर 1.5 वोल्ट और चौथे की जिहड़ी हैगी है 1.5 वोल्ट। तो इस दे जिहड़े टोटल वोल्टेज है वो 1.5, 3, 4.5 और 6 वोल्ट। तो टोटल जिहड़ी 4 सैलां तो वोल्टेज 6 वोल्ट होगी। तो जदों असी नंबर ऑफ सैल नूं सीरीज़ विच कनैक्ट करते हैं तो सानू वोल्टेज वध मिलती है। तो इस तरह असी सैलां नूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे, सैलां तो ज़्यादा वोल्टेज लैण लई सैलां नूं सीरीज़ विच जोड़ांगे। 7वां क्वेश्चन है, सैलां तो ज़्यादा करंट लैण लई सैलां नूं किस तरह जोड़ांगे, यानी कि सैल उही ने उन्हां तो जे असी ज़्यादा समा करंट लैना उस तो बैकअप ज़्यादा लैनी है तो किवें जोड़ांगे। ऑप्शन ए हैगी है सीरीज़ विच, बी पैरलल विच, सी सीरीज़ विच और डी उपरोक्त सारियां ऑप्शन सही ने। तो पैरलल सीरीज़ दा असी पहले असी देख लिया सीरीज़ विच जोड़दे हैं तो सानूं वोल्टेज वध मिलती है और जदों असी ज़्यादा करंट लैना होवे तो पैरलल विच कनैक्ट करते हैं। पैरलल विच कनैक्ट किस तरह होएगा, पॉजिटिव और नैगेटिव एक सैल हो गया, दूसरा सैल हो गया, तीसरा और चौथा, चारां दे जिहड़े पॉजिटिव वाली साइड है उन्हां नूं कनैक्ट करता आपस विच और चारां दी जिहड़ी नैगेटिव है उस साइड नूं कनैक्ट करता दूसरी साइड। तो इन्हां दी वोल्टेज सारियां दी 1.5 वोल्ट है, 1.5 और 1.5 वोल्ट। तो पैरलल दे विच वोल्टेज सेम रहेगी, पैरलल दे विच वोल्टेज सेम रहेगी, इन्हां दी करंट कपैसिटी ज़्यादा रहेगी। तो जिहड़ी टोटल वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट ही रहेगी, करंट कपैसिटी इसकी ज़्यादा होएगी, बैकअप ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो जदों सानू ज़्यादा करंट की लोड हुंदी है तो सैलां नू पैरलल विच जोड़ांगे, तो ऑप्शन बी सही है इसकी। 8वां क्वेश्चन है, एनोड किस नू कहिंदे हन, जदों कैमिकल रिएक्शन असी कोई देखते हैं कोई सैल जां बैटरी नू यूज़ कर रहे हैं
तो उस दे विच एनोड और कैथोड की जी टर्म यूज़ की जाती है। तो इस दे विच सवाल च पूछा गया एनोड किसनों कहते हैं। ऑप्शन है ये हैगी धात की वो प्लेट जी नैगेटिव टर्मीनल नाल जुड़ी है, बी हैगी धात की वो प्लेट जी पॉजिटिव टर्मीनल नाल जुड़ी है, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त दोनों विचों कोई नहीं। तो एनोड असी उस प्लेट नू कहने आ, उस टर्मीनल नू कहने आ जिहड़ी धात पॉजिटिव टर्मीनल नाल जुड़ी है, पॉजिटिव साइड नू असी एनोड कह दिंदे आ। तो इसकी ऑप्शन जिहड़ी है बी सही है, अठवें की वो धात दी वो प्लेट जिहड़ी पॉजिटिव टर्मीनल नाल जुड़ी होवे उसनू एनोड कहिंदे हन। नौवां क्वेश्चन दे विच कैथोड दे बारे पुछिया कैथोड किसनू कहिंदे आ, सेम उही ऑप्शन ने पहले वालियां। जिवें दस्या सी कि एनोड पॉजिटिव टर्मीनल नाल जुड़ी जिहड़ा टर्मीनल है उस प्लेट नू असी एनोड कहिंदे आ, और जिहड़ी कैथोड हैगी आ वो नैगेटिव टर्मीनल नाल जिहड़ियां प्लेट जुड़ी हुई है उसनू असी कैथोड कह दिंदे आ। तो इसकी ऑप्शन ए सही है, धात की वो प्लेट जिहड़ी नैगेटिव टर्मीनल नाल जुड़ी होवे कैथोड कहिंदे हन। दसवां क्वेश्चन इलैक्ट्रोलाइट नाल रिलेटड आ, जिहड़ा लैड एसिड बैटरी दे विच वरत्या जांदा। तां इलैक्ट्रोलाइट की स्पैसीफिक ग्रैविटी किन्नी होनी चाहिए है? ऑप्शन हैगियां ए 1150 to 1200 डिस्चार्ज समय, बी ऑप्शन हैगी 1250 to 1280 चार्ज समय, सी हैगा उपरोक्त दोनों सही है, डी हैगा उपरोक्त विच्चों कोई भी नहीं। तो इसकी जिहड़ी ऑप्शन ने वो सी सही है, इस दे विच जिहड़ी डिस्चार्ज समय जिहड़ी रीडिंग आएगी वो 1150 to 1200 दे विच जिहड़ी डिस्चार्ज दी कंडीशन है, और 1250 to 1280 जिहड़ी आ वो चार्जिंग नू शो करती है। तो दोनों की जिहड़ी सही है वो तीसरे दे विच किया कि पहली ए ऑप्शन डिस्चार्ज वेले दी सही है, बी हैगी है चार्ज समय, तो ऑप्शन जिहड़ी सी सही है, उपरोक्त दोनों सही ने। 11वां क्वेश्चन हैगा इलैक्ट्रोलाइट दे बारे जिहड़ी गल की सी स्पैसीफिक ग्रैविटी किन्नी होनी चाहिए आ उस दे बारे 11वां नाल मिलदा जुलदा कि जिहड़ी इह इलैक्ट्रोलाइट है उसकी स्पैसीफिक ग्रैविटी नू किस यंत्र नाल असी मापदे आ, जिवें इत्थे स्केल दसियां होईयां सी डिस्चार्ज और चार्ज समय दा, तां इस नू असी किस यंत्र दे नाल मापदे आ। तो ऑप्शन ए हैगी है वोल्टमीटर, बी वाटमीटर, सी एमीटर और डी हाइड्रोमीटर। वोल्टेज दे लई वोल्टमीटर लैने आ, पावर मेज़र करन लई वाटमीटर और करंट मेज़र करन लई अंपेयर मीटर, तो जिहड़ी इलैक्ट्रोलाइट की स्पैसीफिक ग्रैविटी है उसी हाइड्रोमीटर दे नाल मापदे आ। ऑप्शन इसकी डी हैगी है, नाल ही तुसी देख लो कि हाइड्रोमीटर इस टाइप का हुंदा है, ग्लास ट्यूब हैगी है, रबड़ नोजल और रबड़ बल्ब हुंदा जिसनों असी दबा के इस दे विच इलैक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, और नाल ही जिहड़ी स्केल दे उपर रीडिंग मिलती है जिहड़ी दसदी है इलैक्ट्रोलाइट समय जिहड़ी कंडीशन की है बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज की। सो असी इलैक्ट्रोलाइट की जिहड़ी स्पैसीफिक ग्रैविटी है वो हाइड्रोमीटर नाल चैक करते हैं, ऑप्शन डी सही है। 12वां क्वेश्चन हैगा बैटरी की समर्था यानी कि बैटरी की कपैसिटी किस विच मापी जाती है, उसकी रेटिंग किवें हुंदी है असी चैक करते हैं। ए ऑप्शन है केवीए किलोवोल्ट एम्पीयर, बी हैगा एएच एम्पीयर आर, सी किलोवाट और बी हैगी है डी हैगी है हॉर्स पावर। तो जिहड़ी बैटरी की कपैसिटी है उसकी जिहड़ी रेटिंग है वो एम्पीयर आर दे विच हुंदी है कि इसकी कपैसिटी किन्ने घंटे दे लई एम्पीयर करंट दे सकती है, तो ऑप्शन बी हैगी है। 12वें क्वेश्चन की तरह ही एक छोटा जा न्यूमेरिकल है, एक बैटरी की जिहड़ी समर्था हैगी है कपैसिटी है वो 50 एम्पीयर आर है, इस तरह रेटिंग लिखी हुंदी है किसी भी बैटरी की कि उसकी रेटिंग किन्नी है 50 एम्पीयर आर। उस बैटरी तो 5 एम्पीयर का करंट किन्ने घंटे तक मिल सकता, यानी कि साडा इस तरह का लोड उस बैटरी पर लाइए कि 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा हो, सानू किन्ने समय लई करंट मिलेगा। ऑप्शन ने 12 घंटे, बी हैगी 10 घंटे, सी 250 घंटे और डी हैगा 5 घंटे। तो ये एम्पीयर आर पूछे गए आ, इस दे विच असीं जिहड़ी कपैसिटी दसी है जिन्ना करंट असी लैना उन्ने ते असी डिवाइड कर दिंदे आ। तो अगर असी 50 नूं जिहड़ा 5 ते डिवाइड करांगे तो साढ़े कोल 10 घंटे बच जाणगे, 10 आर बच जाणगे, एम्पीयर साढ़े कोल 5 हैगे आ। तो इसकी जिहड़ी ऑप्शन हैगी आ वो बी जिहड़ी सही है, 10 घंटे। नैक्सट हैगा एल्कलाइन सैल विच किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट वरत्या जांदा है।
एल्कलाइन सैल और जिहड़ियां बैटरी भी सेकेंडरी जिहड़े सैल ने उस कैटेगरी दे विच आ जांदे आ। तां उस दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट किस तरह का वरत्या जांदा, ऑप्शन हैगियां ने ए सिल्वर नाइट्रेट, बी हैगा पोटाशियम हाइड्रोआक्साइड, सी हैगा सल्फ्यूरिक एसिड और डी हैगा उपरोक्त विच्चों कोई नहीं। तो जिहड़ा इसका सही आंसर हैगा वह हैगा पोटाशियम हाइड्रोआक्साइड। इसका जिहड़ा कैमिकल नेम हैगा के कैपिटल ओ एच, कैल्शियम हाइड्रोआक्साइड इसका सही आंसर हैगा। तो जिहड़ी इहदी ऑप्शन हैगी है वह बी सही है 14वें दी। इस तरह लास्ट क्वेश्चन हैगा बैटरी चार्ज करन और इलैक्ट्रोप्लेटिंग लई, इलैक्ट्रोप्लेटिंग हुंदी है जदों असी एक मैटल दे उपर दूसरी मैटल नूं चढ़ाउने आ लई किहड़ी सप्लाई दी जरूरत हुंदी है। ऑप्शन हैगियां ने ए सी, बी हैगा डी सी, सी हैगा उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त दोनों विच्चों कोई नहीं। तो जदों बैटरी चार्जिंग है तो उस समय जिहड़ी असी सप्लाई है वह डी सी ही वरतदे हैं, डी सी ही वरतदे हैं। जिवें तुहाडे कोल मोबाइल चार्जर ने, सौखी जी एक एग्जाम्पल है, तो चार्जर के अंदर जिहड़ी असी उहनूं इनपुट चाहे असी ए सी दिंदे हैं लेकिन उस दे अंदर उसनों स्टैप डाउन करके दैन उस दे विच रैक्टीफायर करके डी सी च कन्वर्ट करके ही डी सी सप्लाई दिंदे हैं। तो इसका जिहड़ा आंसर हैगा वह बी हैगा डी सी सप्लाई। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो तो तुहानूं जानकारी मिली होवेगी। सो इस तरह दीआं वीडियो दे तुहानूं नैक्सट पार्ट जिहड़े सैकेंड हैगे वह भी दिंदे रहांगे और होर टॉपिक नूं भी नाल छोवांगे तां कि तुहाडे टैसट की तैयारी वधिया होवे और तुहानूं जिहड़ा स्कोर वधिया मिले। सो वीडियो नूं लास्ट तक वेखण लई थैंक यू वेरी मच और जिहड़े साथी इस चैनल ते नवें ने वह जरूर चैनल नूं सबसक्राइब करन तां कि तुहाडे तक नवीं वीडियो का नोटिफिकेशन मिलदा रहे। सो थैंक यू वेरी मच।